ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस वर्ष की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और यह वर्ष के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली पर प्रदर्शित होने वाली है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण आमिर खान है, क्योंकि जिस तरह की फिल्में वे पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं वे बेहद अलग होती हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन और आमिर खान पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आ रहे हैं। 8 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म का ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर में कहानी को कम दर्शाया गया है और भव्यता को ज्यादा दिखाया गया है। यह एक पीरियड ड्रामा है। कहानी 1795 की है। बड़े जहाज और किरदारों के कबीलाई लुक फिल्म को एक लुक देते हैं। ताल वार और तोप के सहारे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को दर्शाया गया है। ट्रेलर में आमिर और अमिताभ बच्चन के किरदार की विशेषताएं दिखाई गई हैं। अमिताभ भरोसा और सत्य के लिए लड़ने वाले किरदार में हैं, जो अंग्रेजों का सिरदर्द हैं। दूसरी ओर आमिर खान का किरदार धोखेबाज और ठग का है, जिसका इस्तेमाल अंग्रेज अमिताभ के विरुद्ध करते हैं। आमिर और अमिताभ के टकराहट और फाइट सीन भी देखने को मिले हैं। समझा जा सकता है कि आमिर का जो किरदार दिखाया गया है वैसे वे फिल्म में है नहीं। कैटरीना को ग्लैमरस डॉल की तरह पेश किया गया है। देशभक्ति, शानदार अभिनय, भव्यता के सहारे दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। हॉलीवुड शैली में फिल्म का निर्माण किया गया है। कैप्टन जैक स्पैरो से प्रेरित है आमिर का किरदार। फिरंगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का इंडियन वर्जन भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को कहा जा सकता है। फिल्म का ट्रेलर बहुत प्रभावी नहीं है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि फिल्म के निर्माता अपनी फिल्म के बारे में रिलीज के पहले ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।